बाद अब इसराइल का अगला टारगेट लेबनान में बैठा हिजबुल्ला है। अपनी उत्तरी सीमा से सटे लेबनान में लगातार हवाई हमले करने के साथ इसराइल जल्द ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। बता दें कि पिछले कई दिनों से इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष अपने चरम पर है। दोनों तरफ से जबरदस्त रॉकेट्स और मिसाइलें दागी जा रही हैं। इसराइल ने हिजबुल्ला को खत्म करने की कसम खाई है, जिसको लेकर इसराइल की ओर से इन दिनों लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है। इसराइल ने लेबनान में कई कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया है। बड़ी बात यह है कि हिजबुल्ला के लड़ाके भी लगातार इसराइल पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में इस युद्ध को रोकने के लिए अब अमेरिका बीच में आ गया है। अमेरिका और उसके साथियों ने 21 दिन के युद्ध विराम की अपील की थी। अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इजरायली अधिकारियों ने हिजबुल्ला के साथ युद्ध विराम के लिए अमेरिका समर्थित प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। वहीं वॉशिंगटन ने जोर देकर कहा कि युद्ध विराम योजना को इजरायल के साथ डिस्कस करके किया गया था। आपको बता दें कि इजरायल ने पिछले 3 दिनों में लेबनान में हिजबुल्ला के 2000 से ज़्यादा ठिकानों को तबाह कर चुका है। ये तबाही फिलहाल रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इसराइल सीज फायर के पक्ष में नहीं है। इसराइल के मंत्री ने लेबनान में युद्ध विराम को खारिज करते हुए हिजबुल्ला को कुचलने का आह्वान किया है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और कतर जैसे देशों ने अमेरिका की इस अपील का समर्थन किया है। इसके साथ ही हर कीमत पर एक युद्ध विराम की बात कही है। अब यह पहल मायने इसलिए रखती है क्योंकि हर बीतते दिन के साथ लेबनान में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे बने हुए हैं कि अब तक 1 लाख से ज्यादा लेबनान के लोगों को अपना ही देश छोड़कर जाना पड़ा है। 26 सितंबर की रात को इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि वह हिजबुल्ला से अनिश्चित काल तक लड़ते रहेंगे और लेबनान पर भारी बमबारी जारी रखेंगे। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में इजरायली हमले में हिजबुल्ला की ड्रोन इकाई के प्रमुख मोहम्मद हुसैन सरूरू की मौत हो गई। इजरायली रक्षा बल ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, हत्या। बेरूत में एक सटीक IAF हमले में हिजबुल्ला के एरियल कमांड के कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूरू को मार गिराया गया। सरूर इजरायली नागरिकों को निशाना बनाकर कई हवाई आतंकवादी हमले को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार था। इजरायली हमलों के बाद हिजबुल्ला का अगला कदम क्या होगा, यह सवाल सभी के जहन में उठ रहा है। इजरायली हमलों के चश्मदीद सैयद अली बाकीर कहते हैं, हिजबुल्ला का अगला कदम क्या होगा, ये सिर्फ हिजबुल्ला के सिवाय और कोई कुछ नहीं कह सकता। खुद हिजबुल्ला के जिम्मेदारन यानी कि चीफ या कमांडर इसका फैसला लेंगे। वैसे हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला ने अपनी स्पीच में कहा है कि वो चीज़ नहीं है जो तुम सुनते थे, अब वो चीज़ है जो तुम अपनी आंखों से देखोगे। यानी हिजबुल्ला ने अपना कदम सोच लिया है। वैसे इससे पहले अमेरिका ने इसराइल और हमास युद्ध के दौरान भी युद्ध विराम करवाया था। सभी शर्तों को दोनों तरफ से नहीं माना गया, लेकिन उसका कोई खास फायदा देखने को नहीं मिला। इसी वजह से आज भी हमास और इसराइल का युद्ध जारी है। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। अब इसराइल का वही आक्रामक रुख हिजबुल्ला के खिलाफ भी देखने को मिल रहा है।